हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और ये इस सीरीज़ का फोर्थ पार्ट है। तो इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी शुरू किया था और उसके कुछ एप्लीकेशन मैंने आपको बताए थे। इसके बाद हम देखते हैं इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री और मैग्नेटिक करेक्टर को हम समझाएंगे विद द हेल्प ऑफ अ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो एक्सपेरिमेंटल डेटा ये कहता है दैट दिस कंपाउंड इज ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल तो होना ही चाहिए क्योंकि आपको छह लिगेंड दिखाई दे रहे हैं एंड इट इज पैरामैग्नेटिक, राइट, इट इज पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक अगर है तो इसमें क्या होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हम किस तरीके से निकालते हैं, मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स है CO Fe6 3-, तो इसमें कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है 3। तो कोबाल्ट का अगर आप ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो ये है 3D 4S and 4P, राइट। तो कोबाल्ट होता है 3D7 4S2, 1, 2, 2, 3, 4 and 5। तो 3D7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 4S2, और ये 4P आपका खाली रहेगा। तो जब ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, सो 2 from 4s and 1 from 3d। तो अभी जो सिचुएशन होगी उसमें देर आर टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से रहेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया है, राइट। 4s खाली हो जाएगा एंड 4p तो ऑलरेडी ही खाली है, राइट। इसके बाद हम कह रहे हैं दैट दिस इज पैरामैग्नेटिक इन करैक्टर। पैरामैग्नेटिक इन करैक्टर का मतलब इसके ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और एक्चुअल में कितना पैरामैग्नेटिज्म है वो भी हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला μ = √(n)(n+2) बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। तो ये है मैग्नेटिक मोमेंट। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग इसका क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा। खैर वो अलग बात है, राइट। अब आप देखिए इसको क्या चाहिए, 6 खाली ऑर्बिटल चाहिए, राइट। 6 खाली ऑर्बिटल होने के लिए एक तो 4s का है, 3 है आपके 4p के। अब जो दो बाकी आएंगे वो कहाँ से आएंगे, वो आएंगे 4d से। अब यहाँ पर जगह कम बची है इसलिए मैं 4d को इतने ही में बना दे रहा हूँ, 1, 2, 3, 4 and 5। 4d भी खाली है, राइट। तो ये क्या करेगा, जो 1s यहाँ से, 3p यहाँ से और 2d को यहाँ से क्या करेगा, ये आपस में हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, राइट। और हाइब्रिडाइजेशन के बाद जब ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा CuF6 3-, तो उसमें आपको क्या दिखाई देगा, जो इनर ऑर्बिटल्स हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, राइट। सो 1, 2, 3, 4 and 5 ये SS रहेगा, यहाँ से 1s ऑर्बिटल, यहाँ से 3p ऑर्बिटल और यहाँ से 2d ऑर्बिटल, 1, 2, 3, 4 and 5, राइट। सो 4s 4p and 4d ये हो जाएगा। सो 1s 3p and 2d ये आपस में कंबाइन किया करके sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन देंगे, और इन वैकेंट ऑर्बिटल में क्या होगा, जो आपके फ्लोराइड आयन हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे, राइट। तो ये क्या बन गए आपके, एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा क्योंकि 6 लिगेंड सेंट्रल मेटल के सराउंडिंग में एक ऑक्टाहेड्रल फैशन में रहेंगे एंड देर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक इन कैरेक्टर हो जाएगा, राइट। तो बाकी एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एप्लीकेशन से समझा रहे हैं ज्योमेट्री एंड द मैग्नेटिक कैरेक्टर। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है FeCN6 3-, राइट। आप इसका IUPAC नाम भी लिख सकते हैं। तो अगेन हमें क्या देखना है कि सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है और वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और एक्सपेरिमेंटल डेटा से इसका मैग्नेटिक करैक्टर क्या पता चल रहा है,
तो मैग्नेटिक करेक्टर जो इसका है वो पता चलता है इससे, ये है पैरामैग्नेटिक। ऑक्टाहेड्रल तो आप देख ही रहे हैं। तो आयरन जब आप ग्राउंड स्टेट में देखोगे, आयरन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो ये है 3D, 4S, 4P एंड 4D, राइट। सो 1, 2, 3, 4 एंड 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो ये है 3D, 4S, 4P एंड 4D, राइट। तो आप देखिए ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D6, 4S2, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 1 एंड 2। यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 3 पॉजिटिव, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो अभी यहाँ बच जाएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, सो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से दोनों चले जाएंगे, 4s पूरा खाली हो जाएगा, 4p भी खाली है, शायद तो 4d की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर भी, 1, 2, 3, 4 ये भी खाली है, राइट। अब आप देखिए इसमें क्या करना है, 6 खाली ऑर्बिटल होने चाहिए, राइट। तो आप अभी देखेंगे 1s और यहाँ क्या है 3p है, 4 खाली हुए। अब होने को ये यहाँ से भी हाइब्रिडाइजेशन कर सकता है और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, बट उस केस में जो पैरामैग्नेटिज्म आना चाहिए कंपाउंड में वो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग आना चाहिए। बट ये जो पैरामैग्नेटिज्म है, एक्सपेरिमेंटल डेटा मैग्नेटिक मोमेंट का ये बताता है दैट दिस पैरामैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक मोमेंट इज करस्पॉन्डिंग टू 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओनली, मतलब केवल एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। तो साइनाइड आयन क्या करता है, ये जो आपके 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं इन 5 डिफरेंट ऑर्बिटल 1, 2, 3, 4 एंड 5, इनको पेयर करा देता है। पेयर कराएगा तो ये 5 इलेक्ट्रॉन अंदर चले गए, अब आप देखिए यहाँ खाली हो गए। तो मतलब साइनाइड आयन जो लिगेंड है वो इतना पावरफुल है कि उसकी प्रेजेंस में जो पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो अभी पेयर हो जाते हैं। अब आप देखिए यहाँ 2 ऑर्बिटल, यहाँ 1 ऑर्बिटल और यहाँ 3 ऑर्बिटल। सो 3D से 2, 4S से 1 एंड 4P से 3। तो ये क्या होगा, D2SP3, ये हो जाएगा D2SP3 हाइब्रिडाइजेशन। और इन में जो खाली वेकेंट ऑर्बिटल हैं इनमें क्या होगा, जो लिगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। सो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो दिख ही रहा है, साथ में जो पैरामैग्नेटिज्म है दैट इज करस्पॉन्डिंग टू 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। तो इसका मैग्नेटिक करेक्टर भी हम समझा पा रहे हैं, राइट। और आप देखिए ये है D2SP3, मतलब ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स था। इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल देखा था CO F6 3 नेगेटिव, वो था SP3D2। इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, राइट। इसके बाद आप देख सकते हैं Fe2O6 3 पॉजिटिव। तो हमें करना क्या है, हमें देखना है कि एक्सपेरिमेंटल डेटा क्या कहता है। एक्सपेरिमेंटल डेटा कहता है कि जो Fe2O6 है वो एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और इसका जो पैरामैग्नेटिज्म है वो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग है, मतलब इसमें पेयरिंग नहीं होगी। अब आप देख रहे होंगे किसी में पेयरिंग हो रही है, किसी में पेयरिंग नहीं हो रही है, ये भी हम आगे समझेंगे। अगेन यहाँ पर जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3 है। मैं अभी Fe2O6 आपको समझा रहा हूँ, 1, 2, 3, 4 ये हो गया। तो 4s खाली हो जाएगा और 4p खाली रहेगा और यहाँ हो जाएगा 4d। सो 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए, 5 इलेक्ट्रॉन इनमें हैं, 4s में खाली है, 4p भी खाली है। अब क्योंकि वाटर की प्रेजेंस में ये इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होते हैं। अब ये पेयर क्यों नहीं होते हैं ये हम आगे आने वाले टॉपिक में देखेंगे, फिलहाल हम इस बात को समझाने जा रहे हैं कि जो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उनकी वजह से जो पैरामैग्नेटिज्म जनरेट हो रहा है वो हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हेल्प से समझा पा रहे हैं, राइट। तो यहाँ देखिए sp3d2, तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, राइट। सो Fe2O
होल सिक्स थ्री पॉजिटिव में ये जो इनर ऑर्बिटल हैं 3D के 1, 2, 3, 4 एंड 5 इनमें कोई चेंज नहीं होगा, राइट। और जो आपके थे 4s से 1, 4p से 3 और 4d से s 1, 2, 3, 4 एंड 5 1, 2, 3, 4 एंड 5 यहाँ क्या होगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और आप देख सकते हैं ये क्या बनेगा, एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो इसमें जो वाटर भी लिगेंड की तरह काम करता है आपको पता है, तो ये वाटर अपने जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन के ऊपर हैं वो इन ऑर्बिटल में क्या करेगा, डोनेट करेगा। सो सिक्स वाटर विल डोनेट 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द वैकेंट ऑर्बिटल विच वर मेड अवेलेबल बाय द मेटल आयन। तो आप समझा सकते हैं इसकी मैग्नेटिक करेक्टर एज वेल एज द ज्योमेट्री, राइट। तो काफ़ी आसान चीज़ें हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब तक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कह रही है, राइट। इसके बाद हम देखते हैं FeCN6 4-, राइट। यहाँ अगर आप आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो वो आपको दिखेगा 2+। हम ये वाले कॉम्प्लेक्स को अभी समझा रहे हैं। तो देखिए आयरन ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, ये है 3D, 4S, 4P एंड 4D। तो 3D में 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 4S में 1, 4P में 3, 1, 2, 3 एंड 4D में 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 3D6 और 4S2 है आपको पता है। जब आप ये देखिए ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब जाएगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देने के बाद अब क्या सिचुएशन बनेगी, सिचुएशन ये बनेगी कि 4s हो जाएगा खाली, 3d में अभी भी बिल्कुल वैसा ही अरेंजमेंट रहेगा जैसा पहले था, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 4s हो गया खाली, 4p पहले से ही खाली था, 4d की शायद ज़रूरत पड़ेगी नहीं, राइट। अब क्योंकि साइनाइड लिगेंड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है वो कहता है कि ये जो कंपाउंड है ये डाई मैग्नेटिक है। डाई मैग्नेटिक का मतलब है इट डज नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, साइनाइड के प्रेजेंस में जो यहाँ पर आपको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं इन 4 डिफरेंट ऑर्बिटल वो पेयर हो जाएंगे। तो क्या होगा, FeCN6 4-। अब आप देखिए यहाँ क्या होगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये अंदर चले गए, यहाँ 2 खाली हैं, ये है 4s, ये है 4p, राइट। तो ये हो जाएगा 4s एंड 4p। अब आप देखिए d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, मतलब अगेन हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सो 6 साइनाइड लिगेंड विल डोनेट 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ द मेटल आयन। तो आप देखिए आपके पास एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आ गई है एंड दिस कंपाउंड इज डाई मैग्नेटिक एज देर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। तो जो भी एक्सपेरिमेंटल चीज़ें थी वो हम वेरीफाई कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स NiCN 4-2-। तो अगर यहाँ आप निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 2, राइट। निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 2। तो पहले आपको निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, 3D 4S एंड 4P 4S 4P। तो 3D में कितना होता है, निकल में होता है 3D8 एंड 4S2, राइट। और 4P होता है खाली, 1, 2, 3। सो 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4S2, राइट। जब निकल जाएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो अभी आपके पास क्या बच गया, 1, 2, 3, 4, 5, ये इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट आपके पास आ गया, राइट। तो 1, 2, 3, ठीक है। अब आप देखिए साइनाइड ये और ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, NiCN4 2-।
ये वाला भी है डायमैग्नेटिक, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा हमें बता रहे हैं, राइट। और आपको देखिए कितने खाली ऑर्बिटल चाहिए, 4, बिकॉज देर आर ओनली 4 लिगेंड्स, राइट। तो क्या होगा जब NiCN4 2 नेगेटिव लिगेंड बनेगा, तो ये जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे। वैसे भी आपको पता है जो साइनाइड लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले आपको दिखाई दे रहे थे ये अभी पेयर हो चुके हैं, राइट। तो एक ऑर्बिटल वहाँ खाली हो गया, ये हो गया s और ये हो गया 4p, राइट। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा अभी DSP2, SP3 की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 4 ही लिगेंड हैं, राइट। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया DSP2, और आपको पता होना चाहिए DSP2 में कौन सी ज्योमेट्री बनती है। तो आप देखिए जो डायमैग्नेटिक करेक्टर है वो हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, एज देर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और आप देखिए DSP2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इसकी जो ज्योमेट्री है वो होती है स्क्वायर प्लेनर, राइट। तो हमने NiCN4 2 नेगेटिव की स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री विद द हेल्प ऑफ DSP2 हाइब्रिडाइजेशन समझाई, और साथ में इसका डायमैग्नेटिक करेक्टर भी समझाया, राइट। अब इसके बाद इससे एक मिलता जुलता कंपाउंड है NiCl4 2 नेगेटिव, राइट। अब इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, अगेन देखिए निकल की ग्राउंड स्टेट है ये 3D8 4S2, यहाँ भी 2 पॉजिटिव चार्ज है तो ये हो जाएगा निकल 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब एक्सपेरिमेंटल डेटा कहता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये पैरामैग्नेटिक है, ये हम अपनी मर्जी से नहीं कह रहे हैं दोस्तों, एक्सपेरिमेंटल डेटा क्या कहता है, दिस कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक होने का मतलब है दिस कंपाउंड मस्ट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ आप देखिए यहाँ निकल जो प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसके पास क्या है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन NiCl4 में भी रहेंगे। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो क्लोराइड आयन है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो निकल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, पेयर कर सके, तो ये एच सच रहेंगे, राइट। सो देर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब हाइब्रिडाइजेशन किस में होगा, 4s और 4p में, राइट, क्योंकि 4 ऑर्बिटल चाहिए खाली, बिकॉज देर आर 4 लिगेंड, राइट। तो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, 1s और 3p आपस में मिलकर sp3 हाइब्रिडाइजेशन देंगे, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन देंगे तो जो 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे, हर ऑर्बिटल में क्लोराइड आयन क्या करेंगे, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, राइट। तो ये हो गया। तो आप देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, राइट। DSP2 में मैंने बताया स्क्वायर प्लेनर, राइट। तो आप देख सकते हैं NiCN4 और NiCl4 के मैग्नेटिक करेक्टर में भी डिफरेंस है, इनकी ज्योमेट्री में भी डिफरेंस है, इनके हाइब्रिड स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में भी डिफरेंस है, राइट। तो ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं NiCO4 टेट्राकार्बोनिल निकल, क्योंकि CO कार्बोनिल कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो यहाँ जो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो 0 हो जाएगा, राइट। अब एक्सपेरिमेंटल डेटा कहता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक होने का मतलब है दिस शुड नॉट कंटेन एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब कैसे, क्योंकि जो CO लिगेंड है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, राइट। तो NiCO4 जब बनेगा तो ये क्या करेगा, इनको क्या कर देगा ये NiCO4 जब बनेगा तो यहाँ से जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो इधर आ जाएंगे और ये दोनों पेयर हो जाएंगे, क्योंकि ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाने हैं नहीं। सो 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये देखिए टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, 8 यहाँ थे और 2 यहाँ,
ये खाली जब हो गया एस, और ये तीन तो पहले से खाली हैं, वन टू थ्री। सो अभी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। तो जो चार कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड हैं वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे इन द वैकेंट sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, 4sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो देखिए डायमैग्नेटिक कैरेक्टर पता चल रहा है और साथ में पता चल रहा है इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, राइट। तो ये काफ़ी आसान एप्लीकेशन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। ठीक इसी तरीके से FeCO5, ये मैं आपको दे रहा हूँ असाइनमेंट, FeCO5 आप खुद ट्राई कीजिए, राइट। एक्सपेरिमेंटल डेटा ये कहता है कि ये है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, वैसे भी 5 लिगेंड है तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ही होगा, और साथ में ये क्या है डाईमैग्नेटिक। और आप ध्यान रखिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, राइट। तो ये आप करेंगे। इसके बाद एक लास्ट एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं, टेट्रा अमीन कॉपर 2, राइट। टेट्रा अमीन कॉपर 2, इसको हम कॉन्ट्रोवर्शियल एग्जांपल भी कहते हैं। अब क्यों कॉन्ट्रोवर्शियल एग्जांपल हम इसको कहते हैं, देखिए एक्सपेरिमेंटल स्टडीज ये शो करती हैं दैट दिस कॉम्प्लेक्स हैज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। जो लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी से ये पता चलता है दैट दिस कॉम्प्लेक्स हैज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री इसकी है, राइट। और ये कैसा है? ये पैरामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का है, राइट। तो अगर हम इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से समझाने जाएंगे तो आप देखिए कॉपर का जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d9 4s2 या 3d10 4s1 भी आप कह सकते हैं, राइट। सो ये है 1 2 3 4 5 4s एंड 4p, 1 2 3, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो गया। यहाँ अगर आप कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो ये है Cu2। तो कॉपर 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होने का मतलब है 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ऐसा रहेगा, राइट। अब ये है 4p। अब अगर इसकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के लिए आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, dsp2, मतलब एक d ऑर्बिटल खाली होना चाहिए, एक s ऑर्बिटल खाली होना चाहिए और 2p ऑर्बिटल भी खाली होने चाहिए। अब एक s ऑर्बिटल तो खाली है, 2p ऑर्बिटल भी खाली है, इवन 3p ऑर्बिटल खाली है, राइट। बट एक d ऑर्बिटल खाली नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो नहीं सकता है बिकॉज ज्योमेट्री इज नॉट टेट्राहेड्रल। तो क्या होगा, जो ये एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ से ये किस में चला जाएगा, ये यहाँ से एक्साइट होके यहाँ चला जाएगा। अगर ये यहाँ से एक्साइट होके यहाँ चला गया तो यहाँ तो डी वैकेंट हो गया, मैं केवल वो दिखा रहा हूँ, डी वैकेंट हो गया, एस तो वैकेंट है ही, और यहाँ पर 3p में से 2p वैकेंट हैं, राइट। तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ, ये है भाई सब 3d 4s एंड 4p। तो आप देखिए डी एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन की पॉसिबिलिटी है, मतलब स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हम समझा सकते हैं। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, जो ये इलेक्ट्रॉन है ये काफ़ी क्या है बाहर है, हायर एनर्जी लेवल में है, और बाहर होने की वजह से ये न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से दूर है, न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से दूर है। सो 4p इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, कैन बी इजिली लॉस्ट, मतलब जो ये 4p इलेक्ट्रॉन है ये इस कॉपर को छोड़ के ईजिली जा सकता है, क्योंकि वैसे भी काफ़ी दूर है न्यूक्लियस से, तो जो न्यूक्लियस से दूर होते हैं वो लूजली बाइंड होते हैं आपको पता है, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन काफ़ी ईजिली जा सकता है, काफ़ी ईजिली जा सकता है, तो जो कॉपर है 2 पॉजिटिव में वो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब एक इलेक्ट्रॉन देगा तो ये बन जाएगा कॉपर 3, राइट। बट जो कॉपर 3 है
वो ऑब्जर्व ही नहीं होता है, मतलब कॉपर थ्री कभी बना ही नहीं है, बनता ही नहीं है कॉपर थ्री, राइट। मतलब जो हम थियोरेटिकली कह रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो उसके बाद एक पॉसिबिलिटी और बनती है कि वो इलेक्ट्रॉन इजिली मेटल को छोड़ के चला जाएगा। जब मेटल आयन को छोड़ के चला जाएगा तो एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलनी चाहिए, बट कभी भी कॉपर की थ्री पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को नहीं मिली है। इसका मतलब है ये जो हम थ्योरेटिकल जो हम अज्यूम कर रहे थे वो पॉसिबल नहीं है, मतलब यहाँ से यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है तो किस तरीके से स्क्वायर प्लैनर ज्योमेट्री हम समझाएंगे, देखिए। तो इसके लिए इसीलिए हमने इसको क्या कहा, एक कॉन्ट्रोवर्शियल एग्जाम्पल। तो इसके लिए क्या कहा गया कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री तो होती है बट जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो एक दूसरे तरीके का हाइब्रिडाइजेशन है। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में हमने कहा DSP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, राइट। तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, कॉपर इनटू ऑक्सीडेशन स्टेट, ये है आपका 3D, इसमें आप देखिए देर आर 9 इलेक्ट्रॉन, राइट। ये है 4s, ये है 4p और ये है 4d। तो 4d में 5 ऑर्बिटल होंगे, राइट। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये हो रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर होता है sp2d। देखिए पहले हम कह रहे थे dsp2 से भी स्क्वायर प्लेनर होता है, यहाँ पर sp2d से भी स्क्वायर प्लेनर होता है। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे हमने देखा था sp3d2 से ऑक्टाहेड्रल होता है एंड d2sp3 से भी ऑक्टाहेड्रल होता है। अब ये जो d है ये आएगा 4d से, नॉट फ्रॉम द 3d। तो 1s 2p ये वाला नहीं हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, 1d मतलब 4s एंड 2p एंड 1d ये हाइब्रिडाइज होंगे और ये क्या देंगे sp2d हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल देंगे, कितने नंबर में 4। और इन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो 4 अमोनिया के लिगेंड्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, राइट। तो इसमें आप देखिए इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन भी नहीं हुआ यहाँ से, तो कॉपर के +2 से +3 में चेंज होने का चांस भी नहीं है। तो यहाँ ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। तो ये एक नए तरीके का हाइब्रिडाइजेशन आपको बता दिया SP2, जिसमें ये वाला पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये क्या है अनहाइब्रिडाइज्ड, राइट। तो इस तरीके से हमने ये जो कंट्रोवर्शियल एग्जांपल था उसको हमने समझाया विद द हेल्प ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसकी मैग्नेटिक करेक्टरिस्टिक्स भी समझाई और इसकी ज्योमेट्री भी समझाई। तो आई होप आपको ये जो हमने एप्लीकेशन बताए हैं आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, ये समझ में आए होंगे। इसके आगे वाले वीडियो में हम एक दूसरी थ्योरी को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, राइट। तो ये थोड़ी छोटी वीडियो थी, आई होप आपको समझ में आया होगा, जिसमें हमने देखा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एप्लीकेशन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पार्ट 4 ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।